5G देखिए ओवरऑल इफेक्ट जो इम्पैक्ट होगा 5G का बहुत अच्छा होगा एज अ स्टूडेंट मेरे लिए. मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम जैसे जैसे अभी पहले इंडिया में क्या था इतनी डिजिटलाइजेशन, जब से मोदी जी आए हैं तब से डिजिटलाइजेशन पे हम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये सब काफ़ी इम्प्रूव हो गए. इसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी बहुत अच्छा होगा. बेसिकली हम मोर एफिशियंट होंगे और लेस इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं सारी इंडस्ट्रीज में. एज अ स्टूडेंट अभी सर हम लोग टीम्स ऐप्स यूज़ करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं और काफ़ी हम डिजिटल मीन्स लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी यूज़ करते हैं और बेसिकली हम फोरम्स में वीडियो कॉल्स करते हैं और बाहर मतलब यूनिवर्सिटी के बाहर और बाहर के लोगों से मतलब आउट ऑफ कंट्री वी ऑल्सो कनेक्ट, मतलब हम कनेक्ट करते हैं लोगों से तो उसमें काफ़ी एफिशिएंसी आएगी. एजुकेशन सेक्टर को 5G किस तरह बेनिफिट करने जा रहा है तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का नारा है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बट अब समय आ गया है कि डिजिटली पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया. सो श्री बालाजी यूनिवर्सिटी में कई कोर्सेज हैं, BBA, BCA, MBA, जितने भी कोर्सेज हम करते हैं. जैसे हम MBA में जब मैनेजमेंट छात्रों को पढ़ाते हैं सो उनके स्पेशलाइजेशंस होते हैं डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग. सो इन सभी स्पेशलाइजेशंस में 5G का बहुत ही गहरा कनेक्शन है. जितना ज़्यादा इसकी लॉन्चिंग होगी, जितना ज़्यादा हमारा देश इसको फैलाएगा सारे क्षेत्रों में, सारे सेक्टर्स में, उतना ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर को फ़ायदा होगा. और उसी तरीके से हम जो एक सपना देखते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, सस्टेनेबिलिटी का, और हमारे एजुकेशन को एक दूसरे लेवल, एक दूसरे स्तर पे ले जाने का. सो आवर कंट्री इज गोइंग टू गो एट अ नेक्स्ट लेवल. आई बिलीव स्ट्रांगली 5G लॉन्च इज गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस टू एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया.